नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है भारत से मेजर गौरव आर्या ने, जिन्हें आप सुनते रहते हैं, और सर का बड़ा जबरदस्त यूट्यूब चैनल भी है चाणक्या फोरम, उसमें भी हम उनको सुनते हैं और कई चीजें उनसे सीखने को भी मिलती है। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है एजाज सैयद ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है और इस वक्त काफी मुझे लग रहा है कि शोर शराबे में खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खासतौर पर इस्लामाबाद में काफी हंगामा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेजर साहब आपकी तरफ चलूंगी, और आज यासीन मलिक के खिलाफ फैसला आया है इंडिया की अदालत में, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान से तो काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, काफी इस चीज को कहा जा रहा है कि गलत है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इस केस को? देखिए, मैं जैसे अगर कंपेयर करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मुल्क हो, भारत हो पाकिस्तान हो, अगर कुछ कहता है तो वो करे, वो सही हो गलत हो वो बात की बात है, पर वो करना जरूरी है, राइट? अगर इंडिया ने ये बोला कि हम 370-35 से हटाएंगे तो हटा दिया, राइट? बट अगर पाकिस्तान सिर्फ ये कह, शहबाज शरीफ ने भी बोला है, पहले इमरान खान भी बोलते थे जब वो पावर में थे, और सब लोगों ने बोला है, अभी शाहिद अफरीदी का भी मैं ट्वीट देख रहा था, शाहिद अफरीदी का कुछ घंटे पहले ट्वीट आया था कि ये हो गया, पर इसके बारे में करना भी जरूरी है, सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है। बोलने से क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी कम होती है। तो अगर पाकिस्तान को विश्वास है, पाकिस्तान को भरोसा है, यकीन है कि हाँ ये जो हुरियत वाले हैं सही लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, इन द सेंस कि ये अपने जिसको कहते हैं कि अपनी आजादी की अगर ये जंग लड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को, स्टेट को कुछ करना चाहिए। ये सिर्फ करते नहीं है, सिर्फ ट्वीट करते हैं, मेरी इनसे ये शिकायत है, ये सिर्फ ट्वीट करते हैं। अब 370-35 से इमरान, ये अपने मोदी जी ने हटा दिया, इमरान खान ने दुनिया भर की गालियां दी, करा कुछ नहीं, ये करा क्यों कुछ नहीं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, बोला ट्रेड तो वैसे हमारी बहुत थोड़ी सी थी, तो दैट डज नॉट मेक एनी इंपैक्ट और डिड नॉट मेक एनी इंपैक्ट टू अस। उसके बाद तो हमारे इंपोर्ट्स 650 बिलियन छुए हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का, जहां तक यासीन मलिक की बात है ना, यासीन मलिक ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी प्रोग्राम पे अपना एक बाले जुर्म करा है, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ, रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में उसने खुद बोला है कि वो यहाँ पे लश्कर तैयबा के कैंप में गया था और यहाँ पे उसको वो खुद, मतलब उसने कि उसने ये करा है, ये मतलब जो भी उसने गलतियां करी हैं या जुर्म करा है वो उसने खुद बोला है। ऐसा नहीं कि अंडर इंट्रोगेशन, देखिए अंडर इंट्रोगेशन अगर हमारे यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाए, जैसे दिल्ली पुलिस है, अगर दिल्ली पुलिस पकड़ के ले जाए तो अगर अंडर ड्यूरेस अगर उससे कुछ बुलवाएं तो इंडियन कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इसका इकबालिया बयान है, वो इकबालिया बयान हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इट कैन नॉट बी इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस को या किसी अथॉरिटी को आपने बयान दिया है तो वो कोर्ट मान के चलती है कि इसके डंडे वंडे बजाए होंगे। इस बंदे ने तो पूरा एक पुलिस के काफिले में आया था, कॉन्वॉय में आया था, रजत शर्मा के स्टूडियो में, रजत शर्मा के स्टूडियो में इसने बोला है कि मैंने सब करा है। अब वो एविडेंस प्रेजेंट करी गई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एहसास से आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपने बात सुनी मेजर साहब की, क्या कहेंगे आप यासीन मलिक के केस को, आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा मेजर साहब, बात यह है कि बाज इश्यूज ऐसे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस पे अगर कोई पाकिस्तानी बात करे तो वो ISI का एजेंट बन जाता है, और अगर हिंदुस्तानी कोई बात करे तो वो रॉ का एजेंट होता है, ठीक है? लेकिन मैं कोई पाकिस्तान आप के ऊपर किसी किस्म की कोई डाउट किए बगैर कि आप कोई इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, आई डोंट डाउट यू, लेकिन मैं आपको एज ए ह्यूमन बीइंग एक बात कर रहा हूं। आपने कहा कि उन्होंने वो टेलीविजन प्रोग्राम में की बात, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने वो प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन आप कह रहे हैं, मुझे ट्रस्ट है, आई ट्रस्ट यू कि ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन आप ये देखिए कि उस बंदे की एक मॉरल करेज थी कि उसने बताया कि मैंने माजी में ये गलतियां की हैं। आप हिंदुस्तान तो बड़ा सेकुलर मुल्क है, सेकुलरिज्म तो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान का एक बुनियादी पॉइंट है, सर्कल है जिसके गिर्द, सेकुलरिज्म के गिर्द घूमता है। अगर किसी बंदे ने टेलीविजन के ऊपर आके अपनी माजी की कोई बातें की, आप उसको सजा दे देंगे? और मैं कम अज कम हमेशा मैं आपसे I don't expect it from you कि आप इस बात को डिफेंड करें। देखिए, बहुत सारे गलत काम हमारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, हमारे फौजी जर्नैल करते हैं, हमारे जर्नलिस्ट करते हैं, हमारे जजेस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है
कि हम हमारी अखलाकियात हैं कि अगर कोई बंदा वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है तो उनकी बातों से हमें हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए, ना कि आप उन्हें जेलों में कैद करें और उनको सजाएं दें। फ्रेंकली स्पीकिंग, यासीन मलिक साहब की जो आखिरी कन्वर्सेशन है अपने जज साहब के साथ, कि उन्होंने कहा कि जी जो मर्जी आप मुझे सजा दें, मैं इसके आपकी आवाज नहीं करूंगा। इंसान आपकी आवाज नहीं आ रही, इंसान आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही आपकी। ऑडियो नहीं आ रही आपकी। आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, मैं इतनी देर में मेजर साहब से पूछ लेती हूँ, उन्होंने जितनी बात आपकी सुनी है। जी मेजर साहब। आरजू जी, ये तो अच्छी बात है जो एजाज साहब ने बात करी, आपके चैनल पे बात करी, तो अच्छी बात है। अगर ये इंडियन टीवी चैनल होता तो बोलते कि पाकिस्तानी का वॉल्यूम कम कर दिया। देखिए ना, ये एक तो मॉरालिटी की बात है और एक लॉ की बात है, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है आरजू जी, बात ये होती है कि आपने लीगली स्पीकिंग, उसने चार चार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर और जवानों को मिला के उसने उनका खून करा है, तो उसके ऊपर 302 का भी केस है, आप जो भी रेलेवेंट होता है मुझे नहीं पता, उसके ऊपर खून का भी केस है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सबक वक्त लेने का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। देखिए ये पूरी चीज जो ये जो जी तो ये जो एजाज साहब ने बात करी ना कि देखिए सेक्युलरिज्म का मजहब से लेना देना है, जैसे एजाज साहब ने बोला कि इंडिया सेक्युलर मुल्क है, बिल्कुल है, हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्या हमारे यहाँ परफेक्ट सेक्युलरिज्म है? नहीं है, हमारे यहाँ बहुत कमी पेशियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हुए, ऐसा भी नहीं है, तो हमें भी कई हजारों कमी पेशियां हैं आज भी। लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ऑल द रिलीजन्स हैव टू बी ट्रीटेड एट पार, दे हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, सब में बराबरी होनी चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि अगर हिंदू है तो यही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ बन सकता है, कोई भी बन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने जुर्म करा है, कुछ उसने इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है उसके खिलाफ जो NIA ने करा है, कई उसके सामने एविडेंस पेश करी गई हैं, उसमें से एक एविडेंस ये रजत शर्मा साहब की टीवी शो का भी है और लंबी फहरिस्त है, और इसने करे, इसने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा था। तो बात यह है ना कि सेक्युलरिज्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस सेंस में बात कर रहे हैं तो क्या अगर कोई मुसलमान कत्ल करेगा तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि इंडिया सेक्युलर स्टेट है? सेक्युलरिज्म का तो सीधा साधा मतलब कम्युनिटीज के साथ है, रिलीजन के साथ है, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर आप ये नारा देखते हैं, ये दिस इज फॉर एन इंडियन, दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज, तो जिसने जो करा है वो भरेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, चाहे वो टीवी प्रोग्राम से भरे चाहे कहीं से भी भरे। तो यासीन मलिक विल गो टू जेल। अब कॉन्टेंट ऑफ सेंटेंस जो NIA ने डेथ पेनल्टी मांगी है उसकी, वो मिलती है कि नहीं मिलती मुझे नहीं पता, वो तो जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल, और उसको अपने क्राइम की सजा मिलेगी। उसने आज से 50 साल पहले कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज जुर्म करता हूं और मैंने किसी का कत्ल करा है, वो 30 साल बाद पकड़ा गया, मैं तब भी टंगूंगा 30 साल के बाद, ये फैक्ट है, ये क्लियर है। नहीं आप ठीक है, अगर सजा तो मिलनी चाहिए, सजा से तो कोई रिलीजन को लेके कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या इजाज़ आप कहेंगे क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं जब गौरव से बात कर रहा था और इन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि जो सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, सेक्युलरिज्म में एक और एलिमेंट भी है जो गौरव भाई जो है वो शायद नहीं जिक्र कर सके, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने एक लॉ अपना यूज किया, उसके तहत आपकी सरकार ने इसको यासीन मलिक की सजा दी, आपके लॉ में ये चीज़ें होंगी, हमारे लॉ में भी हैं। ठीक है, जिस तरह आपका जो हिंदुस्तान है उसमें सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं है, इधर हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं है,
लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि देखिए दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे करेक्टर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने वक्त से सीखा है, यासीन मलिक ने वक्त से सीखा है, दिस इज वाई उन्होंने, यासीन मलिक ने आपका इंडियन पासपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट किया, उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं था अभी उनके पास, उनके पास इंडियन पासपोर्ट था। तो एक लॉन्ग टर्म हवाले से मेरा नहीं ख्याल के उनको सजा दिलवा देना कि दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक आज नहीं तो कल पीस होना है, ये आप माने या ना माने ये होगा, नहीं होगा तो हम दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं होगा। मगर तो मैं तो एक लॉन्ग टर्म के हवाले से भी अर्ज कर रहा, लेकिन एजाज अगर किसी ने कत्ल किया है, अगर किसी ने जान ली है लोगों की, तो उसको किस लिए माफ कर दिया जाए? मतलब ये बात मुझे आपकी नहीं समझ आ सकी कि अगर उन्होंने मर्डर किया खुद मान रहे हैं और सबूत है तो फिर सजा क्यों ना हो? देखिए आरजू, जो एग्जैक्ट चार्जेस हैं यासीन मलिक के ऊपर, क्या उनकी यासीन मलिक के ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने इतने बंदों को कत्ल किया? क्या यासीन मलिक के ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने धमाके किए? अगर अगर ये बातें हैं और अगर ये वो मानते हैं, अगर इनका कानून कहता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने लोगों का मर्डर नहीं किया, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं किए, तो मेयरली किसी से मिलना मेरा नहीं ख्याल कि कितने इतनी वाइज बात है। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है जिसको वो एडमिट करते हैं और उसके कंप्लेनेंट मौजूद है तो बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें कोई बात नहीं। जी मेजर साहब, आरजू जी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है, वो आर्टिकल 19A है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19A के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटी करता है, वो अलहदा बात है। और जो उन्होंने कत्ल करा है लोगों का, जिनके ऊपर चार्ज है, उनके ऊपर कई चार्जेस हैं, जो कत्ल का चार्ज है आरजू जी वो ये है कि ये इन्होंने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और तीन और इंडियन एयरफोर्स के लोगों को कश्मीर में मारा था इन्होंने, वो निहत्ते थे उस वक्त, उनके पास हथियार नहीं थे, निहत्ते लोगों पर फायरिंग करी, उनका कत्ल करा है यासीन मलिक ने, पर्सनली इसने गोलियां चलाई यासीन मलिक ने। उसके बाद ये फिर ये यू नो ये नेता बन गया, ये ऐसा होता है पहले जब ये थोड़ा सा उम्र बढ़ जाती है तो फिर ये सब वो पहन लेते हैं कपड़े अलग वाले, नेता वाले, ये बदमाश है ये सब लोग, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी एक और चीज है कि जो एजाज साहब ने बोला ना कि इंडियन पासपोर्ट उन्होंने एक्सेप्ट करा, तो देखिए अब वो इंडिया में रहता है तो बेचारा उसको कहाँ का मिलेगा, अमेरिका का तो मिलेगा नहीं पासपोर्ट, उसको यही एक्सेप्ट करना है। और अगर ये थे भी, जैसे कि सैयद सलाउद्दीन है हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो तो अमीरा कदल का पैदा है ना, वहीं से उसने इलेक्शन भी लड़ा था, 1987 का जो इलेक्शन था अमीरा कदल का, तो उसने वो सैयद सलाउद्दीन ने लड़ा था, उसका नाम उस जमाने में यूसुफ शाह हुआ करता था, फिर उसने तंजीम बनाई हिजबुल मुजाहिदीन, फिर वो चला गया मुजफ्फराबाद में, फिर एक घर उसका इस्लामाबाद में, ये सब तो वी नो हिम, उसका घर हमने देखा हुआ, उसका घर कहां था, मैं तो खुद जाता रहता हूं कश्मीर, तो ये सब चीजें हैं। तो फिर उसको भी पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला, तो जो कर पाया उसको कर लिया, जिसने बोला कि नहीं यहां पे, तो ये सब देखिए मैं आपको बताता हूं, जिसने जुर्म करा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो, देखिए मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, पाकिस्तान में काफी हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट आ रहे थे, मैं एक बता देता हूं ऑन द रिकॉर्ड कि साहब कश्मीर में प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाई, आपने भी सुना होगा, जैसा कश्मीर में प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाई, ये बात सच है, गोली चली है, क्या लोग मरे हैं? बिल्कुल सच है लोग मरे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है कि इंडियन मीडिया ने या फॉरेन मीडिया ने कुछ गलत दिखाया है। अच्छा, क्या वो लोग मुसलमान थे जो मरे? ये भी बात सच है, इसमें भी कोई, वो कश्मीरी मुसलमान थे, ठीक है। एक्चुअली वायलेंट प्रोटेस्ट पर गोलियां चलती हैं, ये गुरमीत सिंह राम रहीम एक गॉडमैन था, आपने नाम सुना होगा, जो जिसको जेल में डाला था, तो उसके फॉलोअर्स जो ज्यादातर हिंदू थे वो सड़क पे आ गए, तोड़फोड़ करना शुरू करा, पुलिस ने गोली चलाई वहां पे, 39 लोगों को पुलिस ने मारा, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, 39 लोगों को पुलिस ने मार दिया, कोई पैलेट गन इस्तेमाल नहीं करी, रबर गन नहीं, रियल इंसास राइफल 5.56 थोका, 39 को मार दिया। ये इंडिया में होता है, अगर हिंदू करेगा स्टेट के खिलाफ तोड़फोड़ करेगा तो मारा जाएगा, मुसलमान सिख ईसाई जिस धर्म का हो, जो सामने आएगा फिर वो मरेगा। देखिए आप, पूरा आपका हक है प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पे हिंदुओं को भी स्टेट ने मारा है, तो ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा सा पाकिस्तान में एक नैरेटिव है कि कश्मीरी है, मुसलमान है, बेचारा है, इस्लामोफोब, ऐसा नहीं है। मैं, आप जाके नेट पे देख लें, और आप हमारी वेबसाइट्स ना देखें, आप बीबीसी की देखें वेबसाइट्स, आपको पता लगेगा कि वायलेंट प्रोटेस्ट जो करेगा
या फिर सड़कों में जो आगजनी करेगा, बसें चलाएगा, लोगों के घरों के अंदर घुसे तोड़फोड़ करेगा, फिर सरकार उसको, फिर वो उसका जिंदा रहना थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया में। और कोई भी हो, वो 39 हिंदूज मार दिए विद इन फ्यू आवर्स, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 10 महीने में मारे, ना ना, विद इन फ्यू आवर्स खत्म कर दिए जो थे, वो तो जो तोड़फोड़ कर रहे थे तो निपटा दिया उनको। तो ये है यहाँ पे, इसमें कोई वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ही होता है ये पंचकुला इज क्लोज टू दिल्ली, चंडीगढ़ 3-3.5 घंटा दूर है दिल्ली से, तो वहां पे भी हुआ है। जी एजाज, आपने बात सुनी मेजर साहब की, लेकिन आपको लगता है कि अब इस नए जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया में यासीन मलिक वाले केस को लेकर, उससे टेंशन और बढ़ेगी दोनों कंट्रीज में, या हम लोग भी कुछ अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं हमें इस तरह की चीजों का साथ नहीं देना है, इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करना है कश्मीर में? टेंशन नहीं बढ़ेगा कुछ, कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे गौरव, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा और मैं आपको रेफरेंस दूंगा। देखिए आप ये तो मानिए ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मिलिट्री लेवल पे जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद दोनों मुल्कों की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या दोनों मुल्कों की जो सरहद है, उसके ऊपर बड़ी बड़ा बदलाव आया है। पहली दफा ऐसा हुआ है, हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कितने लोग, आपके उधर भी लोग डिस्टर्ब होते थे, हमारे यहाँ भी डिस्टर्ब होते थे। फिर आप ये भी देखिए कि इंटरनेशनली अब पाकिस्तान के ऊपर आपकी हिंदुस्तान की सरकार ने भी और अदरवाइज भी जो इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स थे, मीडिया भी था और लोग भी थे, अब वो एलिगेशन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की तरफ से आपके यहाँ कोई टेररिज्म बुरा है या यहाँ से लोग जा रहे हैं। और मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मैं इन टेररिस्ट ग्रुप्स को कवर करता रहा हूँ, जाती तौर पे कवर करता रहा हूँ। मैं इन टेररिस्ट ग्रुप के बारे में ज़ाहिर मैंने लिखा भी है, कवर भी किया है। अभी यहाँ पे जो मिलिटेंट्स थे जो कि आपके वहाँ पर जाते थे, और उसमें से कुछ लोग आपके उधर से ही आए थे, मतलब आपके जो कंट्रोल में कश्मीर है उधर से ही आए हुए थे, तो अभी तो वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि पाकिस्तान ने जो एक नई पॉलिसी अपनाई है, हिंदुस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है कि अब तो टेररिज्म जिसे आप कहते हैं और ये जो लोग थे ये कहते थे हम फ्रीडम फाइट कर रहे हैं, अब ये नहीं हो रहा। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल बहुत सारे मसाइल हैं, बिल्कुल ठीक है, हिस्ट्री है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन आप ये देखिए कि ये बड़ा बदलाव आया है, और इस बदलाव को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इसको सस्टेन किया जाए और इसको आगे लेके जाया जाए ताकि एक परमानेंट पीस आए। अब आप इस पे कहेंगे कि देखिए आपकी जिम्मेदारी है और मैं कहूँगा देखिए आपकी जिम्मेदारी, मैं किसी एलिगेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको ये बात बता रहा हूँ कि देखिए बड़ी तब्दीली हुई है, बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो इकोनॉमी है ना मेजर साहब, ये इकोनॉमी, ये जो भूख है, ये जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, ये आपको और हमें मजबूर करेगी कि हम ये जो एक दूसरे के साथ शरारतें करते हैं ये बंद कर दें, ये मजबूर करेगी कि हम अमन अमन के साथ बैठें। और ये एक अच्छी बात है कि हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रह रहे हैं, और ये जो एग्रीमेंट है जो दोनों मुल्कों की आर्मीज के दरमियान हुआ है, ये बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड जो एग्रीमेंट है और इसने रिजल्ट दिया। आरजू जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर। जो आपका ओरिजिनल सवाल था, मैं अग्री करता हूं जो कि एजाज साहब ने बोला, और मैं कोई बिना इफबट के अग्री करता हूं, ये अमन के खिलाफ कौन बोल सकता है, कोई पागल ही होगा जो बोलेगा नहीं अमन नहीं होने चाहिए और बम फेंको जी, ऐसा तो नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जो सवाल था वो आपका ये सवाल था अर्जु जी कि यू नो कि यासीन मलिक के चलते क्या रिलेशन खराब होंगे दोनों मुल्क के कि नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि जितना खराब है इससे ज्यादा कोई खराब हो भी पाएंगे, क्योंकि एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि यू नो जैसे बुरहान के ऊपर काफी यूफोरिया था पाकिस्तान में कि बुरहान तो उसका स्टैंप भी निकाला, पहले साल स्टैंप भी निकाला और खूब लोगों ने गाने बजाए, एल्बम सब करा। उसके बाद दूसरे साल कम हुआ, तीसरे साल और कम हुआ, पांचवें साल आते आते कौन बुरहान वानी, अब भूल गए लोग। कोई आपका जो बड़ा लीडर है कुछ नहीं करता, कोई बयानबाजी नहीं होती, कभी किसी ने ट्वीट कर दिया तो कर दिया, ये तो ट्वीट तो फ्री में होता है ना, ट्वीट क्या, मैं रोज दिन में 10 करता हूं,
तो ट्वीट से नहीं होता, आपको अमल करना है, आपको जमीन पर करना। जमीन पर कुछ नहीं हुआ, 370-35 से हट गया, 370-35 से हट गया, क्या हो गया? फिर इमरान खान ने पहले बार बोला कि जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग खड़े हो जाएंगे, फिर खड़े हो गए, फिर बोला कि एक टिकटॉक हम वहां पर लगाएंगे, और टॉकर जो होता है जो जिसमें आता है कितने घंटे हो गए, उसके बाद भूल गए लोग। वो दूसरा था, मैं नाम भूल गया उसके, अफजल गुरु, अफजल अफजल गुरु को जब फांसी दी तो फिर वहां पे एक आध साल थोड़ी सी गर्मी रही। अगर ये भी टंगता है यसीन मलिक, वो रहेगा कुछ महीने के लिए, उसके बाद चला जाएगा। देखिए फर्क तब पड़ता है कि जमीन पे कोई अमल करे, कोई जमीन पे एक्शन करे। और पाकिस्तान इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, और हमारा जो कानूनी सिस्टम है ना, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, और माफ कीजिएगा अगर ऐसा लगे आपको, मैं आई अपोलोजाइज टू यू इन एडवांस, पर हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी जनरल की हिम्मत हो कि जज को कॉल कर दे। ऐसा आज तक हमारे 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई आर्मी हेडक्वार्टर से, उनकी हिम्मत नहीं है आर्मी हेडक्वार्टर से फोन करने की किसी जन, कोई नहीं करेगा, नोबडी इन इज राइट माइंड। हिम्मत तो क्या मतलब, आउट ऑफ डिसेंसी नहीं करेंगे हिम्मत, मैंने गलत शब्द यूज कर लिया, आउट ऑफ डिसेंसी एंड आउट ऑफ प्रोटोकॉल नहीं करेंगे, नोबडी विल कॉल अ जज। सो यू नो जो जज ने फैसला कर दिया, अब यासीन मलिक सुप्रीम कोर्ट जाता है तब तो बात ठीक है, राइट? अगर नहीं जाता है तो फिर इट रिमेन्स, जो भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करेगा कोर्ट, वो डिसाइड करेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान इसलिए भी नहीं करता क्योंकि हमारा जो सिस्टम है जस्टिस का, दैट इज वेरी रोबस्ट, उसको आप इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल है। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं हो सकता इन्फ्लुएंस, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि इट्स वेरी रोबस्ट। और इसमें एक और चीज हो जाती है अर्जुन जी, जितना यू आर सीन एज हेल्पिंग पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म, ठीक है, जब भी आता है किसी भी फेमस पाकिस्तानी का ट्वीट या कोट, यहां पे हमारे लोग उसका प्रिंट आउट लेते हैं, उसको सेव करते हैं, उस वीडियो के बयान को सेव करते हैं। देखिए जब पाकिस्तान का सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये कहता है कि हमारे पास पाव पाव किलो किलो के बम हैं, ठीक है, जिसमें सब लोग मुस्कुराए, लेकिन इंडिया क्या करेगा, इंडिया उस वीडियो को लेके बोलेगा कि पाकिस्तान इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। और ये तिनका है, ये कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, तिनका है ये, लेकिन क्योंकि ये बड़ा कैसे हो जाता है, क्योंकि सिटिंग होम मिनिस्टर कह रहा है, सिटिंग होम मिनिस्टर पाकिस्तान का कह रहा है, तो तिनके तिनके से बूंद बूंद से पूरी बाल्टी भरती है, और इसको कई दिहाइयां लग जाती हैं, 20-30 साल लग जाते हैं, लेकिन वो बाल्टी भरती है एक दिन में। इसलिए मुझे भी लगता है कि पाकिस्तानी लीडर्स को थोड़ा सा स्पीच में ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा ये लोग बोल देते हैं, इनको ये नहीं पता लगता कि क्या बोलना है। वो खान साहब ये कह रहे हैं कि इसको सैक करो डोनाल्ड टू को, वो CNN के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ही शुड बी सैक्ड। अब खान साहब ऐसी बातें कर देते हैं ना, फिर मुझे लगता है, मुझे फिर अपने ना कुछ रिश्तेदार हैं, चाचे मामे, मुझे वो याद, वो भी ऐसी बातें करते हैं, ये कर दो वो कर दो, तो मुझे फिर लगता है कि अरे क्या चल रहा है यार, ये क्या प्रॉब्लम है। नहीं उनसे रौनक भी रहती है जी। नहीं नहीं ये जो सबसे दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, खान साहब की बात हम डिफेंड कर सकते हैं यार, प्लीज ये बात। नहीं साहब मैं आपको मैं नहीं एजाज साहब, आपकी आपकी बात ठीक है, आपके बारे में इसके लोग हैं इनकी बातें मैं आपसे पूछ लूंगा आगे, तो आप ना हमारी उसी रात पे ना हाथ रख दे प्लीज। नहीं एजाज, अगर हम बात करें हमारी, अगर हम आगे बढ़े फॉरेन पॉलिसी की बात करें, अभी रिसेंटली जो है हमारे एक जर्नलिस्ट जो है अहमद कुरैशी, वो इसराइल भी गए थे, और उसके बाद बेचारे को कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, लेकिन आपके ख्याल से रिलेशंस बनाने चाहिए पाकिस्तान को, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है? मेरे ख्याल में देखिए बिल्कुल जरूर है, आप देखिए ये जो पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम है ये एक ही तरह का है। अभी वो जैसा बता रहे थे कि जो नेशनल स्टेटमेंट होता है वो स्टेट के सामने होता है, यहाँ भी तो नेशनल स्टेटमेंट है, स्टेट लॉज भी दोनों मुल्कों की एक है, थिंकिंग दोनों मुल्कों की एक है। आज मैं जो है पाकिस्तान में आना, तो बहुत सारे लोग उनको कहेंगे कि ये ऐसे एजेंट बन गए हैं, बहुत सारे लोग इनके इल्जाम हिंदुस्तान की तरफ से ऐसे लोग होंगे, और आज मैं हिंदुस्तान में चला जाऊँ तो मुझे भी इस तरह के इल्जाम लग जाएंगे। देखिए जो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग है वो बिल्कुल होती है, पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में इस तरह के पूरे एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पे इस तरह बातें करते हैं। तो आपने अर्जुबाती फॉरन पॉलिसी की, बिल्कुल फॉरन पॉलिसी पे बड़ा काम करने की जरूरत है, और मेरे ये ख्याल है कि हमारा जो मुद्दा क्राइसिस है उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट हमारी
जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज का भी है कि हम हमारे यहाँ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे, हिंदुस्तान के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे, आउटवर्ल्ड के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे, तो इश्यूज हैं। और अहमद कुरैशी जिक्र आपने किया कि वो उधर गए, इसराइल गए, तो अच्छी बात है, अगर वो इसराइली गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है वो गए हैं तो ठीक है, रहे करें। और लेकिन इस बात पर ऐसा पाकिस्तान पार्लियामेंट करेगी या पाकिस्तान की हुकूमत को करना है किसी कंट्री को जिसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ उसको अब एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है ये इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर कोई है तो अच्छी बात है, कोई यहाँ पर आए तो तब भी अच्छी बात है, मेजर ग्रेव पाकिस्तान में आए तो वेलकम करेंगे, हम इनको तो गले लगाएंगे, हम इनको अच्छा खाना पेश करेंगे, हम इनसे गप लगाएंगे, इनको टी शोज में बिठाएंगे, तो मुझे तो अच्छा लगेगा मेजर साहब पाकिस्तान में, हम इनको पाकिस्तान लाहौर दिखाएं, इनको पंजाब दिखाएं, सिंध दिखाएं, बलूचिस्तान इस्लामाबाद दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, बड़ा खूबसूरत जगह है, नॉर्दर्न एरिया खूबसूरत है, तो ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बड़ी अच्छी बात है। मैं मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज पाकिस्तान का वीजा अप्लाई करें, आई होप है आपको मिली जाए। नहीं, मैं बिल्कुल लास्ट में मेजर साहब की तरफ चलूंगी क्योंकि आज इजाज़ आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस आ रही हो ऑडियो में, लेकिन ये कि मैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो मेजर साहब की तरफ ही चलूंगी। और इजाज़ ने जो आपको ऑफर किए कि आप इस्लामाबाद आएँ और कराची आएँ और पाकिस्तान आएँ, सर एक नॉर्दर्न एरियाज मत लेके जाइएगा, वो मत इजाज़ प्लीज़, आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज में क्या है हमारे। जी मेजर साहब, आप आना पसंद करेंगे? नहीं बिल्कुल, आप लोग बुलाएंगे क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे हम, बस ये देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि वैसे मेरे वैसे काफी जानने वाले हैं पाकिस्तान में, वो बोलेंगे कि अच्छा आ गया इसको निपटाओ अभी है, बट यस ऑन अ सीरियस नोट यस व्हाई नॉट। अगर आप देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आप भी आए, एजाज साहब भी आए, यहाँ पे चीमा साहब आए, सब लोग हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं हम लोग दिल्ली में। एंड ऑफकोर्स देखिए, मैंने कभी भी ऐसा कि हम लोगों के, लोग तो मासूम ही होते हैं कहीं के भी होते हैं, भारत क्यों पाकिस्तान क्यों, लोगों का तो इतना कोई मामला होता नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो रास्ते में आ जाती हैं, तो बिल्कुल आई एम, जो एजाज साहब ने बात करी है मैं उससे बिल्कुल भी जिसको कहते हैं मैं अपोज नहीं करता, मैं रादर सपोर्ट करता हूँ, आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पर मैं फिर एक बात बोलूंगा, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, बट मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैंने अक्सर करी है कि अभी इस वक्त जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन है ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ, ये अनफॉर्चुनेट है। पर मैं आपको बताता हूं, बड़ी अजीब सी बात है, हिंदी में कहते हैं विडंबना है, कि ये जो अमन है उसमें बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है दैट गोज टू जनरल बाजवा, ये होना चाहिए था सिविलियन लीडरशिप की तरफ से, एक फौजी में इतनी सेंस थी, एक फौजी जर्नल में इतना दिमाग था कि उस फौजी जर्नल ने बोला कि अमन होना चाहिए, ये आना चाहिए था इमरान खान की तरफ से, आया जनरल बाजवा की तरफ से, हुई अच्छी बात और हम जनरल बाजवा को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक पॉलिटिशियंस इतने स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक बात नहीं बढ़ पाएगी पाकिस्तान के लिए, तो वो जरूरी है। लेकिन आप लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो फौज ही गवर्नमेंट चला रही होती है, तो फिर जाहिर है जो बात बाजवा साहब कहेंगे वही होगी, चाहे वो सामने आके कहें चाहे वो पीछे पर्दे के पीछे से कहें। आप ठीक कह रही हैं अर्जुन जी, लेकिन बात यह है कि फौज के साथ हम बात तो नहीं कर सकते ना, अब बात यह है कि बात हमें किससे करनी है, अगर बात कभी होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में नियर फ्यूचर में, हम तो पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करेंगे, जनरल बाजवा साहब से, अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता कि जनरल बाजवा साहब से बात कर पाते इंडिया वाले तो हमें पता है कि मसले बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते, बिकॉज ही इज अ वेरी क्लियर हेडेड मैन, देखिए ना बड़े क्लियर हेडेड है बाजवा साहब, ये अनफॉर्चुनेटली एजाज साहब ने मना कर दिया कि खान साहब के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आई विश जो लेवल इंटेलिजेंस का या मैच्योरिटी का लेवल जनरल बाजवा का था, अगर ये लोग भी दिखाते तो कुछ फिर मजा आता बात करने का, वो जनरल बाजवा इज अ डिफरेंट कैलिबर पर्सन। नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एजाज के लिए स्पेशली मेजर गौरव से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आपने एक बार अपने किसी वीडियो में बताया था कि बल्कि बड़ी वायरल हुई थी आपकी वीडियो कि भारत भी इतना कुछ नुकसान नहीं कर सकता था पाकिस्तान का अगर इमरान खान ना होते तो वो आप प्लीज एक दफा और मेरी रिक्वेस्ट पे एजाज को जरा बता दीजिए। आरजू जी मैं आपको नहीं, मेरा ना लोगों ने थोड़ा सा गलत भी लिया पाकिस्तान में, मैं आपको वाजे तौर पर बताता हूँ,
कि अक्सर पाकिस्तान से ये इल्जाम हमारे ऊपर आता है कि भारत साजिशें करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरा ये कहने का मतलब था उधर कि हमें क्या जरूरत है। अब आप देखिए, ये आज की तारीख में कह रहा है मैं 20 लाख बंदे लेकर इस्लामाबाद में आ जाऊंगा। आप सोचिए, 20 लाख बंदे इस्लामाबाद में आएंगे तो क्या 20 लाख बंदे दिल्ली में आ जाएंगे? हलवा बन जाएगा दिल्ली का, बैंड बन जाएगा दिल्ली का, इस्लामाबाद का बैंड नहीं बजेगा क्या? फिर 20 लाख होंगे, उसमें से कुछ अदर एलिमेंट्स भी होंगे, खून खराबा होगा। आपका जो डॉलर गिर रहा है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमी, जो कदर गिर रही है रुपए की डॉलर के बनस्पत, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खान साहब ने शुरू करी है, ये पहले से डॉलर रुपए का हाल खराब था, लेकिन जो फ्री फॉल में गया है, ये फ्री फॉल में तब गया क्योंकि खान साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इनको कभी, मैंने आज ट्वीट भी करा था आजू जी, इनको कभी किसी ने, मैं बता रहा हूँ ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है इमरान खान का, ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इमरान खान को कभी किसी ने चैलेंज नहीं करा, कभी कोई काली वीगो नहीं आई इनको उठाने के लिए कभी ना। मैं आपको बोलता हूँ ना, इंडियंस जो कहते हैं ना, मैं यहाँ पे इंडिया में भी बड़ा चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ, काफी इंडियंस हैं जो कोर्ट करते हैं हबीब जालेब को और फैज अहमद फैज को। तो मैंने इनको समझाया कि जो हबीब जालेब और फैज अहमद फैज की शायरी है ना, ये आग में तप के निकली है, ये इम्पैक्टफुल क्यों है? ये जनरल जियाउल हक के जेलों में तप के निकली है और तुमने वो देखा नहीं है, इसलिए तुम्हारी शायरी में कभी इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इंडिया में ज्यादातर शायर, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, पर कई ऐसे शायर हैं, कई कुछ तो हैं बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं आज तक की तारीख में, ठीक है, जो तुकबंदी को शायरी समझते हैं, ठीक है, मैं वहां जा रहा था फिर मैं वहां से आ रहा था, ये शेर नहीं है। शेर में वजन होता है, और वजन कब आता है? वजन तब आता है जब दुख होता है, जब परेशानी होती है, खुशी होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यू सी, इमरान खान के साथ भी वही है, वो तुकबंदी वाली सियासत कर रहा है। इमरान खान कभी जेल नहीं गया, इमरान खान की कभी कुट पिटाई नहीं हुई, कभी उसको मुल्क से नहीं निकाला गया, ठीक है, तो इमरान खान को कभी चैलेंज नहीं करा किसी ने पाकिस्तान में। वो तो गाड़ी चला रहा है, अपनी फरारी घुमा रहा है, वो 150 की स्पीड पे सड़क पे, खान साहब को कभी किसी ने चैलेंज थोड़ा ना करा है। अब चैलेंज आ रहा है तो अब उनको समझ में आ रहा है। नहीं मेरे साहब, आप खातिरनामा रखें, ये सब कुछ हो रहा है, प्रोसेस लगा है ना, तो आप देखेंगे जो पॉलिटिशियन सही रास्ते से नहीं आते तो उनको जो प्रोसेस लगता है पहले समझ में, तो अभी खान साहब उस प्रोसेस में आप बिल्कुल बेफिक्र, आपकी जो गिला है वो पाकिस्तान दूर करेगा। आपने जो लाजवाब बड़ा एतमाद किया, मुझे खुशी है, तो आपके बाकी जो गिले शिकवे वो भी दूर दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने देखा, बहुत शुक्रिया।